हेलो स्टूडेंट्स, आपसे स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ की साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, उसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करते हैं। बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखिए बच्चों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता क्या होता है, सिर्फ वो डेफिनेशन जानते, इससे अलग कुछ नहीं जानते। वो उनको सिर्फ एक रटी रटाई बात याद होती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, पर उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता है कि एक बैटरी ऊपर लिखा है 12 वोल्ट, उसका मीनिंग क्या है, क्या करेगी वो, उसका मीनिंग आपको नहीं पता है। तो अगर आप उसका मीनिंग जानना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो को, आपको पूरा देखना है और अच्छे से इसको समझना है कंसेप्ट को, कैसे हम डिज़ाइन करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए लिखते हैं हम हेडिंग अपनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए देखिए भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें इसको समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें आने चाहिए। देखिए हमारे पास एक चार्ज है, हमने उसको ऐसे टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और इस चार्ज का एक फील्ड होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको मैं समझा देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है। मान लेते हैं हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, क्या नोट्स उसको मैंने इंडिकेट किया, ये भी पॉजिटिव है। हमने क्या किया, इसको इसकी तरफ लेके आना शुरू किया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे रिपेल करेंगे। मान लो हम इसको यहाँ से यहाँ ले आते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर आएगा ये, इस चार्ज ने क्या कि मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, हिलना स्टार्ट कर दिया, पर अभी चलेगा नहीं, आपने इस पॉइंट पर रुक जाना है। तो इस पॉइंट पर हम रुक गए तो हमने क्या डिसाइड किया कि इस पॉइंट से अगर आगे जाते हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगता है या उसके ऊपर फोर्स लगता है। अब उसकी अमाउंट कम है तो वो क्या, ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाता है। इसकी अमाउंट कम है, टेस्ट चार्ज है ये, कैसा चार्ज है ये, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज का मीनिंग क्या होता है, ऐसा चार्ज जो सिर्फ हमें टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर होता है, जीरो तो नहीं बोलेंगे हम, पर अप्रोच टू जीरो बोलते हैं। तो देखिए भाई हमने क्या किया, इसका ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया भाई। अगर इस फील्ड के अंदर कोई आएगा, इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, या तो वो अट्रैक्ट कर लिया जाएगा या वो रिपेल कर दिया जाएगा, वो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पर कि पॉजिटिव नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए आगे कैसे करेंगे इसको। अब ये चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रीजन। हमने क्या किया, कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि ये चार्ज आगे नहीं चल सकता उधर, ये आपका जो चार्ज है लेफ्ट साइड नहीं जा सकता बिल्कुल भी, उधर नहीं जाएगा ये, तो हमने क्या किया इसको रोक रखा है। अब हम इस चार्ज को लेके आते हैं यहाँ से, दूर से लेके आ रहे तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अगर आपको डिफाइन करना है कि इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी हमेशा बेटा कंपेयर में बोला जाता है। अब मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 सेंटीमीटर है और आपका जो चार्ज ये रखा हुआ है ये 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो 1 के कंपेयर में वो 25 इन्फिनिटी बोल दिया जाएगा बेटा। ऐसा नहीं बोलना कि इन्फिनिटी क्या होती है, ऐसी डिस्टेंस को हम माप ना सके ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। इन्फिनिटी सिर्फ एक रिलेटिव वर्ड है, आपको देखना होता है किसके कंपेयर में हम उसको चेक कर रहे हैं। अब आपका ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 सेंटीमीटर है और आपका चार्ज 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो 1 के कंपेयर में 25 इन्फिनिटी है, 1 के कंपेयर में 25 क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटी है बच्चों, समझ गए। अब हमने क्या किया, इसको मूव कराना शुरू किया और हम यहाँ तक ले आए। जब हम यहाँ तक लेके आए हमने कोई वर्क डन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई रिपेल नहीं कर रहा है। अब जैसे इसके अंदर एंटर करते हैं ये भाई साहब क्या करेगा, इस भाई साहब के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब इसकी ताकत ज़्यादा है क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है, उसका अमाउंट तो बिल्कुल ना के बराबर है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो जैसे हम इस पॉइंट पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, इसको बोल दें मैंने ए पॉइंट, तो यहाँ पर क्या करता है ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। पर हमने क्या किया, हमने भी ठान रखी है कि इसको इसके अंदर लेके जाएंगे, तो हमने भी इधर से फोर्स लगाया और इसको ए पॉइंट तक ले आए। तो हमने कितना फोर्स लगाया, जितना इसने लगाया, तो इसका मीनिंग जब हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट कराई तो इसका मीनिंग क्या, वर्क डन हो गया बच्चों। क्योंकि वर्क डन क्या होता है आपको याद होगा 9th क्लास में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ तक लेके आए हम इसको और हमने एक वर्क डन किया। अब मान लेते जब यहाँ तक लेके आए ना, तो आपने 10 जूल वर्क किया, कितना वर्क किया 10 जूल, फिर आपने कोशिश किया हम उसको बी तक लेके आते हैं, कहाँ तक लेके आते हैं बी तक, आपने नोट किया कि 20 जूल करना पड़ गया, ए पर 10 जूल कर रहे हैं बी पर 20 जूल कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जितना चार्ज के पास आते जाएंगे हमारा वर्क डन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना आप इसके पास जाओगे उतना ज़्यादा रिपेल करेगा, आपको रुकना पड़ेगा, रुकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो होता है जितना आपने वर्क डन किया इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए,
ये जो वर्क डन है ये इस चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बच्चों। तो मैं क्या बोलूँगा, इस चार्ज का ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 10। अभी मैं यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, ए पॉइंट पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना 10, बी पॉइंट पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना 20। उसका कुछ नहीं है, वो तो जीरो के बराबर था, मैंने पहले बोला टेस्ट चार्ज है बच्चे, वो एक क्या एक वो टेस्ट चार्ज है, उसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। तो देखिए भाई, ए पॉइंट पर जो हमने वर्क डन किया वो क्या हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। अब दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ही आ गई, आपने कहा सर मेरे पास तो जो चार्ज है ना वो थोड़ा बड़ा है, मान लो ये जीरो के अप्रोच करता है, कि मेरे पास तो ना सर 5 कूलम चार्ज है, कितना है 5 कूलम चार्ज, और मैं तो इसी के साथ टेस्ट कर सकता हूँ, इससे छोटा कोई मेरे पास चार्ज ही नहीं है। तो हमने क्या कहा, कोई बात नहीं आने दो इसको। तो इसको आपने क्या किया, इसके अंदर लेके आए, आपने नोट किया कि वर्क डन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पर अब वर्क डन 10 के कंपेयर में 50 जूल हो जाता है इसी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब इसका भी फील्ड है और उसका भी फील्ड है, अब दोनों दूर से रिपेल करना शुरू कर देंगे आपस में, पर आपने क्या किया, जोर लगाया, इसको आगे ले आए, अब वर्क डन आपको ज़्यादा करना पड़ा। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, इसी पॉइंट पर इसका पोटेंशियल हम चेक कर रहे हैं, एक बार तो 10 जूल आ रहा है, एक बार 50 जूल आ रहा है, ये तो इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको बच्चों फिक्स कर दिया। क्या फिक्स किया, हमने बोल दिया कि अब आपको ना जो चार्ज है जो इसको मूव कराना है जिसको इसके फील्ड के अंदर, अब वो चार्ज हमने फिक्स कर दिया कि 1 कूलम होना चाहिए बच्चों, यूनिट बना दिया। क्या बना दिया, यूनिट चार्ज, और यूनिट चार्ज क्या होता है 1 कूलम, यूनिट चार्ज क्या होता है 1 कूलम, कि आपका चार्ज कितना होगा 1 कूलम होगा, ना 2 कूलम होगा, ना 1/2 कूलम होगा। फिक्स कर दिया कि आपने 1 कूलम को मूव कराने में जितना वर्क किया वो उस पॉइंट का इस चार्ज का पोटेंशियल होगा। क्लियर, अब देखिए 5 कूलम को मूव कराने में कितना वर्क डन किया 50 जूल, तो 1 कूलम को मूव कराने में कितना करेंगे आप निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड है। तो देखिए भाई, तो यहाँ पर 5 कूलम को मूव कराने में वर्क डन होता है 50 जूल का, 1 कूलम को मूव कराने में कितना वर्क डन होगा 50/5। तो ये जो 50 था ये क्या था, वर्क डन, और ये क्या था, जो आप चार्ज लेके आए हो आगे। तो इसका मीनिंग क्या, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या बन गया, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया बच्चों। तो अब आप इसकी जो डेफिनेशन है बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको आगे चला सकूँ। तब हमने क्या किया, इसका यूनिट डेफिनेशन बनाया बच्चों, क्या डेफिनेशन बनाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज ऑफ ए पॉइंट, आप इसके ऊपर लिख लीजिए यहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं बच्चों। पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी, इस पॉइंट का निकालोगे डिफरेंट आएगा, इस पॉइंट का निकालोगे डिफरेंट आएगा। कैसे चेक करना है, आपने इस चार्ज को यहाँ तक लेके आना है, ये चार्ज कितना होना चाहिए 1 कूलम होना चाहिए, जितना आपने इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन किया वही क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल होगा, किसका, इसका होगा। अब पोटेंशियल की जो SI यूनिट है वो बनाते हैं, देखिए भाई यहाँ पर कैसे बनेगी। अच्छा एक बात और, अब मान लो किसी सेल के ऊपर लिखा हुआ है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, जैसे मेरे पास एक ये सेल है और इसके ऊपर लिखा हुआ 10 वोल्ट, ठीक है, और इसका एक ये टर्मिनल है पॉजिटिव और एक टर्मिनल है नेगेटिव, तो इसका मीनिंग क्या होता है भाई 10 वोल्ट का। अब बड़ा आसान हो गया आपके लिए, देखिए अगर मैं यहाँ से एक वायर जोड़ता हूँ, इसके ऐसे एक वायर से जोड़ दिया मैंने नेगेटिव पॉजिटिव को, तो इस वायर में से 1 कूलम चार्ज जब मूव करेगा, या ये बैटरी या ये सेल, इसके अंदर जो चार्ज है 1 कूलम, उसको मूव कराने में 10 जूल वर्क करती है, क्या करती है 10 जूल वर्क करती है। अब दूसरी बैटरी लेते हैं,
देखिए इसके ऊपर लिखा 50 वोल्ट, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 50 वोल्ट, और इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर भी नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये बैटरी क्या करेगी 1 कूलम को मूव कराने में 50 जूल वर्क करती है। बच्चों कितना वर्क करती है 50 जूल। अब दोनों में चार्ज तो सेम मूव हुआ, इसमें 1 कूलम मूव हुआ, इसमें 1 कूलम मूव हुआ, इसमें वर्क डन 10 जूल है, इसमें वर्क डन 50 जूल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, अमाउंट सेम है, वर्क डन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मीनिंग इसमें से स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड ज़्यादा चलेगी, 1 कूलम फास्ट मूव करेगा, जल्दी जल्दी पास होगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जब चार्ज मूव करता है एक नई टर्म बनती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इसका मीनिंग क्या, इस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। वैसे तो आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी, याद की होंगी, पर उसका मीनिंग क्या होगा मैंने आपको समझा दिया आपको मीनिंग क्या होता है। अब इसकी मैं SI यूनिट यहाँ पर डिज़ाइन कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा SI यूनिट क्या होती है, देखिए V का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। अच्छा एक बात और भी यहाँ पर देखिए, वर्क डन हमने कहाँ से कहाँ किया, इन्फिनिटी से A तक आए, कहाँ से कहाँ तक आए, इन्फिनिटी टू A। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, तो पोटेंशियल किस पॉइंट का है, पोटेंशियल A पॉइंट का है। तो यहाँ पर पूरा एक ऐसे नोटेशन हो गया ना, लिखने का तरीका अच्छा हो गया हमारा। और ये क्या है, टेस्ट चार्ज है भाई सब। तो इसका आपको पता है वर्कडन का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो ये यूनिट बन गया जूल पर कूलम, और नेम से यूनिट भी होता है इसका, साइंटिस्ट के नेम पर है वोल्ट, साइंटिस्ट के नेम पर क्या यूनिट होगा इसका, वोल्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपका ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका SI यूनिट क्या होगा, उसका फिजिकल मीन क्या होता है। अगर किसी के ऊपर लिखा 20 वोल्ट, तो इसका मीनिंग क्या है, वो बैटरी 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में 20 जूल वर्क करती है बच्चों। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्चुअल में जो मीनिंग होता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें इसी के अंदर, अगर मैं जोड़ू साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखिए उसको भी इसी डायग्राम से समझाता हूँ आपको मैं। आपको क्या करना है, ए से बी पर जाना है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है बच्चों। अब हमें क्या करना है, ए से बी पर जाना है, तो बी का पोटेंशियल आपको पता है वी बी है, और ए का पोटेंशियल आपको पता है वी ए है, तो इनका जो गैप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब इस गैप को कैसे निकाल लेंगे, आपने फिर से 1 कूलम चार्ज लेना है, क्या करना है आपने, 1 कूलम चार्ज लेना है, और इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराना है बच्चों। जितना वर्क डन होगा वो क्या होगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन लिख दूं आपके लिए, लिख देते हैं, चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी डेफिनेशन लिख देते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, यहां बना देता हूं, ठीक है, आप ऊपर हेडिंग डाल लेना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिफरेंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, क्या रहेगी इसकी डेफिनेशन देखिए, अभी लिखते हैं आपके लिए इसकी। अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपको किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो क्या बच्चे, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये आपका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस था किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है बच्चों, जो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को बताइए, ठीक है, वो भी देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। ओके बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।